नमस्कार दोस्तों, टुडे नॉलेज की इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वायुमंडल एवं सागर, इसी से संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे और उम्मीद है आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर नए वीडियो की अपलोडिंग पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें सत्य कथन बताना है आपको। आयन मंडल द्वारा पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों का पुनः परावर्तन होता है, ये भी सही है। आयन मंडल में उपस्थित हवा विद्युत आवेशित होती है, इसलिए वायु के कणों में विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया होती है, ये भी सही है। उत्तरी ध्रुवीय ज्योति को अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिण ध्रुवीय ज्योति को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसमें भी सत्य कथन बताना हमें। वायुमंडल में जलवाष्प 0 से 4% तक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। एरोसोल यानी कि कणिकामय पदार्थ अक्षोभ सीमा तक ही सीमित रहते हैं, ये भी सही है। अक्षोभ मंडल में एरोसोल की उपस्थिति संघनन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से उपरोक्त आपके सभी सही हैं। सौर शिथिरांक के दौरान पृथ्वी के धरातल पर कितनी सौर विकिरण की मात्रा प्राप्त होती है? 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में अधिकतम तापांतर पाया जाता है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास। तरंग दैर्ध्य की सामान्य इकाई क्या है? म्यू, यानी कि इसको किसमें मापते हैं तरंग दैर्ध्य को? म्यू में। मध्यवर्ती ग्रीनलैंड में न्यूनतम तापमान किस ऋतु में पाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में। मेघ आवरण की स्थिति के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? ये मेघों से संबंधित है। यार का तात्पर्य है बादल से ढका आधा आकाश, ये भी सही है। आठ का तात्पर्य है बादल से ढका पूरा आकाश, ये भी सही है। नौ का तात्पर्य है धुआं इत्यादि के कारण मेघ आवरण का अनुमान न होना अर्थात अस्पष्ट आकाश, ये भी सही है। तो इस हिसाब से उपर्युक्त तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। भूमध्य रेखीय पेटी संबंधी सत्य कथन है अधिकतम वर्षा की पेटी है जो भूमध्य रेखा से दोनों ओर 10 डिग्री तक विस्तृत है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 175 से 200 सेंटीमीटर तक है, ये भी बिल्कुल सही है। यह पेटी 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में विस्तृत है, ये गलत है। तो इस हिसाब से उपर्युक्त एक और दो कथन सत्य हैं। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है थोड़ा सा। विश्व की जलवायु का वर्गीकरण करने वाले ऋतु वैज्ञानिक कौन थे? हार्नसवेट ने भी किया था, केंड्रियू ने भी और कोपेन ने भी। तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु को किस वर्ग में माना जा सकता है? सीएस से, यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु को किस से दर्शाया गया है? सीएस से। आयन मंडल की परतों का नामकरण किसने किया था? कूपे ने। किसने किया था? कूपे महोदय ने। वायुमंडल का विस्तार धरातल से कितने किलोमीटर ऊपर तक है? 9660 किलोमीटर, लगभग 10,000 किलोमीटर मानते हैं, जबकि एक्चुअल में कितना है? 9660 किलोमीटर। वायुमंडल के किस भाग में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है? समताप मंडल में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जिसकी ऊंचाई 1000 किलोमीटर तक मानी गई है,
बहिर्मंडल, इसकी मानी गई है 1000 किलोमीटर तक ऊंचाई बहिर्मंडल की। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? आणविक नाइट्रोजन परत ऊंचाई 90 से 200 किलोमीटर के बीच, ये भी सही है। सत्य युग्म बताना इसमें। आणविक ऑक्सीजन परत की ऊंचाई 200 से 1100 किलोमीटर, ये भी सही है। आणविक हीलियम परत ऊंचाई 1100 से 3000 किलोमीटर के बीच, ये भी सही है। तो इस हिसाब से उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद क्रमशः गैसों का क्रम है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियोन और उसके बाद ओजोन। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? विकिरण ऊर्जा, ये सूर्य तारों नक्षत्रों आदि से प्रकाश चुंबकीय या ताप तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, ये भी सही है। गतिज ऊर्जा, यह वायुमंडल में चलने वाली हवाओं तथा वायु धाराओं से प्राप्त होती है, ये भी सही है। स्थितिज ऊर्जा, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह सभी स्थानों पर समान रूप से प्राप्त होती है, ये भी सही है। तो उपर्युक्त इसमें सभी कथन सत्य हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है, ये बताना इसमें। लघु तरंग विकिरण, यह पराबैंगनी किरणों के रूप में होती है, ये भी सही है। मध्यम तरंग विकिरण कुल सूर्य शक्ति का 52% है, ये भी सही है। दीर्घ तरंग विकिरण, यह अवरक्त किरणों के रूप में होते हैं और ये किरणें सूर्य शक्ति का 42% होती हैं, तो ये भी सही है। इस हिसाब से भी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। निम्न में से किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर रहती है? लगभग 1520 लाख किलोमीटर की दूरी पर, 4 जुलाई को, और इसको क्या कहा जाता है? अपसौर। निम्न में से किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम बिंदु लगभग 1470 लाख किलोमीटर की दूरी पर रहेगी? 3 जनवरी को, और इस दिन इसको अपसौर की स्थिति कहा जाता है। ग्रीष्म काल में कर्क और मकर रेखा के ऊपर कितनी समयावधि का दिन होता है? तो कर्क और मकर रेखा पर लगभग 13.5 घंटे का दिन होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है ये। निम्न में से कौन सा तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक है? स्थल एवं जल का स्वभाव, ये भी है। सागर तल से ऊंचाई भी तापमान को प्रभावित करती है और समुद्र से दूरी भी। तो इस हिसाब से उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है, ये भी सही है। गर्म मरुस्थली जलवायु 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित, ये भी सही है। भूमध्य सागरी जलवायु 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपका उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? सहारा मरुस्थल लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल लगभग 1550,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी सही है। अरेबियन मरुस्थल 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से ऊपर सभी कथन सत्य हैं। पृथ्वी पर जल वितरण संबंधी सही तथ्य है। महासागरों में 97.3% जल पाया जाता है, बर्फ सतह के रूप में 2% और भूमिगत जल के रूप में 0.68%। महासागरों से संबंधित सही तथ्य है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ये भी सही है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, ये भी सही है। और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, ये भी सही है। तो इस हिसाब से ऊपर सभी कथन सत्य हैं। विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? लेनवर्ट फिशर। कौन सा है सबसे लंबा ग्लेशियर? लेनवर्ट फिशर। साइबेरियन शेल्फ विश्व का सबसे बड़ा निमग्न तट है, यह किस महासागर में स्थित है?
आर्कटिक महासागर में, यानी कि ये आर्कटिक महासागर है ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव के पास, तो ये उसमें स्थित है। महाद्वीपीय उत्थान की औसत ढाल होती है 0.5 डिग्री से 1 डिग्री के बीच। महासागरीय गर्त महासागरीय नित्तल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैली है? 7% भाग पर। परवाल भित्तियों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? 25 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य। परवाल भित्तियों का कहाँ मिलता है सर्वाधिक विस्तार? 25 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने कहीं दोस्तों 17 डिग्री सेल्सियस भी पढ़ा है, तो इसको कंफर्म कर लेना, मुझे लगता है ये मिसप्रिंट है। 17.5 डिग्री सेल्सियस महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान होता है। किस महासागर का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में फैला है? हिंद महासागर। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जावा कितने मीटर गहरा है? 7450 मीटर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर की भांति है? अस अक्षर की भांति। अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। बेरिंग जलसंधि कहाँ स्थित है? अलास्का व रूस के मध्य। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।